चीन के बॉयकॉट के बाद भारत की सरकार चाइना के साथ रिश्ते फिर से अच्छे करने के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत की सरकार अब सोच रही है कि भारत की जितनी भी बड़ी जायंट कंपनियां हैं वहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट किसी भी सूरत में एक्सेप्ट ना की जाए, क्योंकि ये एक बड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न है और सिक्योरिटी का रिस्क है। इसी की कड़ी में एक बड़ी खबर ये निकल रही है कि LIC के IPO में चीन की कंपनियों की इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करने के लिए भारत की सरकार सोच रही है। दोस्तों आपको पता ही है, LIC को लेकर भारत की सरकार ने कहा है कि 20% हिस्सेदारी इसकी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खोली जाएगी और इस कड़ी में दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर भारत के अंदर निवेश कर सकता है LIC के अंदर। लेकिन चाइना के साथ जो बॉर्डर की क्लैश हुई थी और चाइना जो लगातार एक बड़े चैलेंजेस भारत के सामने रख रहा है, उस चैलेंजेस को देखकर हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। यही कारण है कि अब हमारी सरकार के अंदर मंथन चल रहा है कि किस तरीके से चाइना की इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक किया जाए आने वाले समय में, जब ये IPO दुनिया के लिए खोला जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि आप आर्टिकल के अंदर सोर्सेज के जरिए न्यूज देख रहे हो, लेकिन आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या हमें चाइना की इन्वेस्टमेंट को लेकर ब्लॉक ये सिस्टम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हालांकि इसी के साथ चाइना के इन्वेस्टर्स जो हैं लगातार रिस्क एक उठाते ही हैं। भारत के अंदर वो एक अपना भारी पूंजी लगाते हैं, HDFC के अंदर उनके जो शेयर थे आपने देखा ही था। इसी के साथ सभी भारत की कंपनियों के अंदर वो ज़्यादा मात्रा में शेयर खरीद लेते हैं और फिर उसके ऊपर वो अपनी दादागिरी चलाते हैं। यही कारण है कि चाइना एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट करके भारत के लोगों के बारे में जानकारियां भी हासिल करता है, जिस कारण से भारत को एक सिक्योरिटी के कंसर्न मिल भी रहे थे। यही कारण है कि चाइना के ऊपर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं है, और वैसे भी चाइना के ऊपर वही देश भरोसा करते हैं जो कि आज जिन्हें कोई पैसों की जरूरत होती है या फिर चाइना के साथ उनका कोई हित जड़ा होता है। भारत के साथ उनका कोई हित नहीं है और इसी के चलते भारत की सरकार सोच रही है कि 20% ऑफरिंग के अंदर क्या चाइना के इन्वेस्टर्स को भी एंट्री दी जाए या ना दी जाए, इसके बारे में अभी विचार चल रहा है। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या चीन को एंट्री देनी चाहिए या नहीं।